हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम हर्षवर्धन और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि गूगल की जो सर्च इंजन है उसमें एक नई फीचर आने वाली है, जो फीचर अगर आप एक ब्लॉगर हैं या वेबसाइट ओनर हैं तो ये आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फीचर में क्या आने वाला है, ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ दी है जिससे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ब्लॉग या फिर वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि गूगल की जो सर्च में नया फीचर जो आएगा वो फीचर आएगा जिसमें वो, अब जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन अभी गूगल में इस बात की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है कि वो जिन क्वेश्चन के लिए वो श्योर हैं उसका सिर्फ वही रिजल्ट आपको एक ही दिखाई देगा। उनका ये कहना है कि ये करने का उनके पीछे कारण ये है कि वे यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यूज़र्स बहुत सारे रिजल्ट्स देखे और फिर उनमें से चूज़ करे। वो कहते हैं अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है या कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछ रहा है और गूगल इस बात पे पूरी श्योर है कि उसका आंसर ये है, तो उसको वो डायरेक्ट लिंक वही दिखाएगा, बाकी के लिंक नहीं दिखाएगा। ऐसे में अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर वेबसाइट ओनर हैं और आप इस तरह की क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो आपके लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको जो है वो स्पेसिफिक ऐसी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर डालनी होगी ताकि गूगल उसको ये समझे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सही इन्फॉर्मेशन है, तब आपकी जो वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है वो गूगल के सर्च इंजन में शो होगी। ये सिर्फ मोबाइल के लिए है, पीसी पर ऐसा नहीं होगा अभी तक जो भी ये इन्होंने दिखाया है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऐसा हो। और इसमें साथ ही इन्होंने, गूगल ने ये भी किया है कि वो डायरेक्ट लिंक दिखाएगी और हो सकता है वहाँ पर आपको ऐड भी ना दिखाई दे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं या फिर वेबसाइट ओनर हैं तो आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को इतने सटीक हिसाब से लिखना है कि जो भी आदमी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये एक तरह से है ना, आपको बिल्कुल लोकलाइज लैंग्वेज में लिखना होगा, जैसे हम कन्वर्सेशन लैंग्वेज में पूछते हैं। तो क्योंकि आने वाला समय जो है वो वहाँ पर लोग क्योंकि आने वाला जो समय है वहाँ पर लोग गूगल सर्च की जो वॉइस सर्च फीचर है उसको यूज़ करते हैं। आपने देखा ही है कि अभी भी लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, बच्चे तो करते ही हैं, बड़ों ने भी अब गूगल वॉइस फीचर का सर्च करना शुरू कर दिया है। लोग पूछेंगे कि मेरे नज़दीक फलानी शॉप कहाँ पर है या मेरे नज़दीक कोई बढ़िया रेस्टोरेंट कहाँ पर है। तो बिल्कुल कन्वर्सेशनल स्टाइल में ही आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, उसी तरह के वर्ड्स आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करने हैं जो लोग लोकल उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ आप लिखेंगे तो आपकी ब्लॉग पोस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके गूगल के सर्च इंजन में आने के लिए। तो ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट गूगल सर्च में और ये बदलाव जल्द ही लागू हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, सब कुछ इन्होंने पाया है कि सही तरह से काम कर रहा है, तो ये जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अभी से अपनी ब्लॉग पोस्ट में इस तरह के बदलाव करना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया तो हिट द डिसलाइक बटन। अगर मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते। और अंत में, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। को भी करना।